राजधानी रायपुर के खमतराई थाना में ममता शर्मा अली ने सभी वार्ड वासियों के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें इन सभी वार्ड वासियों को निर्देश भी दिए और बताया कि होली में बहुत ही अच्छे प्रकार की पुलिस व्यवस्था रखी जाएगी। ममता अली शर्मा ने सभी वार्ड वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए वार्ड वासियों से उनके सुझाव भी लिए हैं। बता दें कि वार्ड वासियों ने अपनी अलग अलग समस्याओं को बताया है और ममता अली ने सभी की समस्याओं को सुनते हुए उनके सुझाव को पूरा करने की बात कही है। सामने होली का पर्व है, इसलिए हमने आज थाना में शांति व्यवस्था के लिए शांति समिति की बैठक ली है, जिससे कि हमारा जो हिंदू का बड़ा त्यौहार है वो बहुत शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक निपटे, जिससे लोगों से सहयोग की अपील की है। और जो नियम है कि आप मुखौटे ना पहने, रंग गुलाल ही खेले, अनावश्यक चीज़ें कीचड़ विचड़ या पेड़ के नीचे आप वो न जलाएँ, तार के नीचे होलिका दहन न करें, इस तरह की बातें उन्हें बताई गई हैं और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि होली हमारे क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक निपटेगी। एसपी साहब का जो निर्देश है आज हमारे कंट्रोल रूम में बैठक है, उसमें वो और भी हमें स्पष्ट रूप से आदेश देंगे, उसके लिए बैठक है आज। खमाटी थाना की प्रभारी श्रीमती ममता शर्मा अली द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्षद और हमारे जो क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जो खमाटी थाने क्षेत्र में आते हैं उनकी एक बैठक हुई है और ये निर्णय हुआ है कि हमारा जो होली का त्यौहार है बहुत ही सौहार्द से, प्रेम से, जैसे हम लोग प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं वैसे ही मनाएंगे और किसी भी प्रकार की हमको दिखती है क्योंकि संदिग्ध गतिविधि है या ऐसी कोई स्थिति बनती है जिससे लड़ाई झगड़े की संभावना है तो हम तत्काल थाने को खबर करेंगे। मैडम पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रही है, लगातार पेट्रोलिंग अभी भी होती है और होली को देखते हुए और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और मैडम ने हमको आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था को हर स्थिति में हमको मेंटेन करना है और बिना जन सहयोग के काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ थाने में स्टाफ 35 या 40 लोगों का स्टाफ है और पूरे क्षेत्र की जनसंख्या जो खमाटी थाने में आती है लगभग 1 लाख है, तो हम ये मान के चले कि 35-40 पुलिस के जो लोग हैं जवान हैं वो हमारी रक्षा कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी वाली बात है। हम लोग यहाँ के सजग नागरिक हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत है, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हम लोगों को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी ये जवाबदारी कि कानून व्यवस्था अच्छी ढंग से चले, क्योंकि सरकार ने जो थाने खोले हैं कहीं ना कहीं नागरिकों की सुरक्षा के लिए थाने खोला गया है, तो इनको मदद करना हम लोगों की नैतिक जवाबदारी है। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे और बिल्कुल जो पुलिस को जो हमसे मदद चाहिए वो पूरी मदद हम लोग करेंगे, ये आश्वासन हमने मैडम को दिया है और लगातार तब से खमाटी थाना इस क्षेत्र में खुला है मैं देखता हूँ कि पुलिसिंग काफ़ी अच्छी हुई है। रात को 2 बजे तक TI मैडम खुद पेट्रोलिंग करती है, महिला होने के बाद भी लगातार पेट्रोलिंग करती है। महिला पुलिस मित्र के माध्यम से अभी 30 महिलाओं को हम लोगों ने खमाटी थाने से जोड़ा है, अभी और भी मैडम की प्लानिंग है कि अलग अलग क्षेत्र में जाके महिलाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि महिलाओं को आसपास में क्या गतिविधि हो रही है इस बात की जानकारी होती है, क्योंकि महिलाएं क्योंकि ज़्यादा घर में रहती है, पुरुष सवेरे काम पर निकल जाता है, व्यापार में निकल जाता है, नौकरी में निकल जाता है, उनको जानकारी नहीं होती लेकिन महिलाओं को जानकारी होती है, तो उनके माध्यम से भी जो जानकारी थाने में आती है तत्काल पुलिस उसमें एक्शन लेती है। मैं समझता हूँ पूरे वातावरण यहाँ से जो है खमाटी थाने क्षेत्र में जो हमारा एरिया आता है एक पूरा एक मॉडल रहेगा आने वाले समय में कि प्रेम और सद्भाव और सद्भावना और आपस का जो स्नेह है वो सीखना है, तो इस क्षेत्र से सीखना चाहिए, पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है। ममता मैडम के पूरे स्टाफ को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस थाना के संबंधित जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ममता मैडम के आने से आसपास क्षेत्रों में काफ़ी शांति का माहौल बना हुआ है और शांति के माहौल को बनाए रखने के लिए मैडम को हम जितने भी आए हुए सबसे सुझाव ली मैडम ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या व्यवस्था करना है और किस जगह पे पॉइंट देना है, पुलिस का पॉइंट देना है, कहाँ पे स्टाफ लगानी है, कहाँ पे असामाजिक तत्व है, तो सारे हम लोगों से पूछी गई मैडम गए तो हमने उसको बताया पूरा और यहाँ पॉइंट पे देना है आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि मैडम ने पहल करके हम लोगों को यहाँ बुलाया, बहुत बहुत मैडम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा पहल और ऐसा शांति बनाए रखे पूरे वार्ड में और होली बहुत शांति ढंग से मनाएं।